फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में एक नई नोटिफिकेशन आई है 2023 में। ये पहली नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको उसकी नॉलेज होना जरूरी है। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं सीबीआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbic.gov.in। जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन चेक करनी हो, एक्ट्स में, रूल, फॉर्म्स में, कोई भी पॉइंट चेक करना, तो आप इसी वेबसाइट से करें, फेक वेबसाइट से ना करें। तो जब हमने यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें इस टाइप का एक विंडो आता है। इस टाइप के विंडो में आप यहाँ पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। कोई भी रूल हो, सेक्शन हो, नोटिफिकेशन हो, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जब हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं 2023 के लिए, सेंट्रल टैक्स में ये वाली नोटिफिकेशन आई है और 4 जनवरी 2023 को। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? टू असाइन पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स टू एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर इन DGGI, DGGST एंड DG ऑडिट। तो ये एडिशनल पावर जो है वो डेलीगेट की गई है। अब यहां पर हम चलते हैं, जब इस वाली नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो इस वाली नोटिफिकेशन में एक लिंक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 14/2017 की, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन अभी आई है जनवरी 2023 में, तो इसमें क्या लिखा गया है? ये एक एंट्री यहां पर ऐड की गई है उस वाली नोटिफिकेशन में। क्या ये ऑफिसर्स हैं और ये जो पावर एक्सरसाइज करेंगे, ये इसके मतलब, इसका मतलब है जो सुपरिटेंडेंट की पावर्स है, वो जो पावर्स है वो डेलीगेट की गई है यहाँ पर। कैसे डेलीगेट की गई है? देखिए, इस वाली नोटिफिकेशन में क्या था, ये पूरी टेबल बनाई गई थी। ये ऑफिसर हैं जीएसटी के अंडर में जो इंटेलिजेंस वाले ऑफिसर्स हैं, या फिर इसमें क्लियरली लिखा हुआ है डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट। तो ये दोनों पॉइंट्स इसमें क्लियरली लिखे हुए थे। क्या कि सीबीआईसी ने अपॉइंट्स किए ऑफिसर इन द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ऑडिट। तो इसकी तीन अलग अलग यूनिट हो गई। अब तीनों यूनिट से अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं और वो किसकी पावर को यहां पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस टाइप से इन्होंने दिया था कि जो इनकी पावर्स होगी वह इक्विवेलेंट पावर यहां पर मानी जाएगी अलग अलग। जैसे तो जीएसटी में हम काफी सारे प्रोविजन पढ़ते हैं, सर्च एंड सीजर्स के हो गए, या फिर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न हो गए, डिमांड रिकवरी के लिए जो होता है, उसके अलावा जहां पर प्रॉपर ऑफिसर एक वर्ड यूज किया जाता है। जब भी मैं कोई सेक्शन या रूल्स आपके सामने रीड करता हूं तो उसमें क्लियरली लिखा होता है कि प्रॉपर ऑफिसर आपको नोटिस भेज सकते हैं और उससे डिमांड कर सकते हैं या फिर वेरीफाई कर सकते हैं रिटर्न्स को, सर्च एंड सीजर्स भी कर सकते हैं। तो सारी पावर्स के लिए अलग अलग ऑफिसर यहाँ पर ऑथराइज हैं। तो इसी में ही यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 में ये जो पावर्स थी, जो सुपरिंटेंडेंट की पावर है, इसमें ही ये पावर्स को ऐड किया गया है। जब यहाँ पर ये नई वाली एंट्री यहां पर देख रहे हैं, एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस और एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट। तो इन तीनों को यहां पर एडिशनल जो इनके असिस्टेंट डायरेक्टर एडिशनल, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तीनों के लिए तीनों वर्ड यूज किया गया और लिख के। इसका मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में और ऑडिट वाले में, तीनों में यहां पर एडिशनल पावर दी गई है। सुपरिटेंडेंट की जो पावर है वो इन वाले ऑफिसर्स को भी यहां पर डेलीगेट कर दी गई है। मतलब अब यहां पर जो एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर है वो सुपरिटेंडेंट की पावर को यूज करके वो सारी एक्टिविटीज कर पाएंगे जो कि सुपरिटेंडेंट के पास पावर्स थी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि जो जीएसटी में नोटिस आ रहे हैं या फिर जो भी कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो उसमें क्या हुआ है कि ऑफिसर्स को यहां पर पॉइंट नंबर 8A से ऐड कर लिया गया है, ठीक है। फिर उससे नीचे जो है इंटेलिजेंस ऑफिसर, पॉइंट नंबर 9 में ये वाले ऑफिसर आ गए। तो अब सुपरिटेंडेंट के लिए जो ये वाले पर्सन हुआ करते थे, सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस और सुपरिटेंडेंट, या फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सुपरिटेंडेंट ऑडिट, तो इन्हीं के जो पावर है उसमें एडिशनल ऑफिसर्स को भी अपॉइंट यहां पर कर दिया गया है। तो उससे क्या होगा कि जो जीएसटी टीम है वो वाइड हो गई है एक तरह से देखा जाए तो। जो नोटिस भेजने की पावर्स है या स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स की पावर्स है, उसमें भी यहां पर एक तरह से देखा जाए तो एडिशनल पावर्स डेलीगेट कर दी गई हैं। तो अब आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी कंप्लायंस जीएसटी में कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर नॉलेज लेके, किसी भी नॉलेजेबल, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो भी आपको रूल्स रेगुलेशन की नॉलेज होना जरूरी है, किसी आप थर्ड पर्सन से करा रहे हैं तो वो उस पर्सन से आप कराइए जिसको इस तरह के प्रॉपर एक्ट्स की या फिर रूल्स की नॉलेज हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जीएसटी में कंप्लायंस भी कर दिया और वो फिर भी नॉन कंप्लायंस कंसीडर कर लिया जाए और आपके पास किसी भी तरह का
मतलब जीएसटी के अंडर में इतने सारे प्रोविजंस है। सेक्शन अगर हम बात करें 73, 74, इसमें डिमांड रिकवरी, प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स के प्रोविजंस भी हैं, और उसके अलावा जो है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के हैं, जीएसटी सस्पेंशन के हैं। तो हर जगह पे प्रॉपर ऑफिसर वर्ड यूज किया जाता है, और प्रॉपर ऑफिसर जो वहां पर वर्ड यूज किया गया है उसके लिए उस सेक्शन में रूल में अलग अलग ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर लिखा जाता है कि ये जो पावर है ये प्रिंसिपल कमिश्नर के पास है, ये कमिश्नर साहब के पास है, ये ज्वाइंट कमिश्नर के पास है। तो जो जो सुपरिटेंडेंट की पावर है उसको यहाँ पर इन्होंने वाइड कर दिया। तो इनडायरेक्टली क्या अगर इससे देखा जाए तो अब जीएसटी में जो नोटिस हैं या स्क्रूटनी है तो उस टाइप की चीजें जो है वो ये वाले ऑफिसर्स भी एज इट इज कर पाएंगे। तो आपको ध्यान से अपने कंप्लायंस को कंप्लीट करना है टाइमली, ताकि कोई भी मिस्टेक या कोई भी ऐसी एरर ना रहे जिससे कि ऑफिसर आपको नोटिस भेजे। क्योंकि एक बार नोटिस आ जाता है तो फिर उस साल के साथ साथ कोई दूसरे साल से अगर कोई लिंक पॉइंट्स हैं तो वो भी ओपन कर लिए जाते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटी, कौन से वाली, एरर्स वाली, रेक्टिफिकेशन वाली, वो सारी चीजें अवॉइड कीजिए। वन टाइम में सही तरीके से प्रॉपर एनालाइज के साथ अपनी जीएसटी के रिटर्न को और कंप्लायंस को फाइल कीजिए। जीएसटी के इसी तरह के काफी सारे वीडियोज और अपडेट्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप एक बार चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको वीडियो देखकर 100% बेनिफिट मिलने वाला है। उसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर आप कोई स्पेशल वीडियो भी देख सकते हैं जो भी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, वो भी आप यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हैं। वो सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन वाले भी, कंप्लायंस वाले भी और फाइलिंग वाले भी, वो आप एक बार वीडियो देख सकते हैं। ये